नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस का यह 46वां प्रैक्टिस सेट, इससे पहले 45 प्रैक्टिस सेट अपलोड की जा चुके। यदि आपने उनसे वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से सभी वीडियोज को देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, उन सभी क्वेश्चन के पीडीएफ फाइल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। स्टडी विद एएमसी का नया लोगो है, ये देख सकते हैं, नए लोगो को आज जारी किया गया है, तो ये स्टडी विद एएमसी का नया लोगो है, ठीक है। और जानते हैं आप लोग कि यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए करते हैं आज इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा सा, कि हजारा मंदिर किस में स्थित था, यानी कि हजारा मंदिर कहाँ पे है, तो यह स्थित था कहाँ पे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करते रहे। इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए, हम्पी। हजारा मंदिर कहाँ पे था, हम्पी में। हजारा मंदिर आखिर यह है क्या, हजारा या हजारा राम मंदिर है, ठीक है। हजार राम के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है, और यह मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। इस मंदिर को कृष्णदेव राय ने बनवाया था, और यह विजयनगर के शाही परिवार का एक निजी मंदिर था, यह उनका एक पर्सनल मंदिर था। और इस मंदिर यानी कि जो मंदिर है, यह भगवान राम को समर्पित है। इस मंदिर में महाकाव्य रामायण की कहानी को दर्शाते हुए सुंदर स्मृति चिन्ह और पैनलों के लिए प्रसिद्ध है यह मंदिर। वहाँ पे उनकी छवियाँ बनी हुई है, ठीक है। यह कहाँ पे है, हम्पी यदि पूछ जाए तो यह है कहाँ पे, कर्नाटक में। हजारा मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिंधु नदी किसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, सिंधु नदी किसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, तो ये भारत में प्रवेश करती है कहाँ से होके, लद्दाख से होके। लद्दाख से होके ये भारत में प्रवेश करती है। आप लोग जानते हो कि लद्दाख अभी नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो आप लोगों से आज का एक क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, कि भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है। फिलहाल इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सिंधु नदी किसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है लद्दाख से माध्यम से। लद्दाख के माध्यम से यह प्रवेश करती है सिंधु नदी, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास निकलती है और पश्चिम में बहते हुए यह लद्दाख में भारत में प्रवेश करता है। कश्मीर क्षेत्र में कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि जस्कर, नरुवा, स्योक और हुंजा, इनसे मिलती है, इस नदी से वो मिलती है। सिंधु बाल्टिस्तान और गिलगत से होकर बहती है और अटॉक में पहाड़ों से निकलती है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यदि बात की जाए कि ये जो लास्ट में कहाँ जाके गिरती है, तो ये अंत में सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। अब यदि क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है वह है 2900 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर है। तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में हो उसके आंसर आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सफदरजंग का मकबरा किस में स्थित था, किसका मकबरा, सफदरजंग का मकबरा किस में स्थित था, तो यह स्थित था दिल्ली में, ऑप्शन डी, दिल्ली में यह मकबरा स्थित था। और यह मुगल साम्राज्य शैली में उनके लिए वर्ष 1754 में बनाया गया था। सफदरजंग को 1748 में मुगल साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, और वह मोहम्मद शाह का वायसराय था, ठीक है। चलिए, आप लोग जानते होंगे कि ये जो है ये अवध के दूसरे नवाब भी थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब राष्ट्रीय एकता दिवस, जल्दी से लोग आंसर करके बताएं। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है कब, 31 अक्टूबर को, ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह जयंती के अवसर पर एकता दिवस देश में 31 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है।
और आप लोग जानते हो कि 2014 के बाद से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग रन फॉर यूनिटी में भाग लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा या फिर सुना भी होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की थी अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसने पेरिस मास्टर्स 2019 का खिताब जीता है। पेरिस मास्टर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच पेरिस मास्टर्स 2019 का खिताब जीता है। उन्होंने यह खिताब पांचवी बार जीता। यदि पूछ ले कि नोवाक जोकोविच जो जीते हैं मास्टर्स पेरिस मास्टर्स 2019 तो यह कितनी बार जीते हैं, तो यह कितने बार जीते हैं, पांचवी बार। और इन्होंने अपने 34वें मास्टर खिताब और वर्ष 2019 की पांचवी एटीपी जीत को सुनिश्चित किया है। ठीक है, और यदि पूछ ले कि यह किनको हरा कर जीता है, तो इसने कनाडा के डेनिस शापोवालोव को हराकर यह खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिटियम परमाणु के कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ट्रिटियम परमाणु के कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके न्यूट्रॉन होते हैं दो। इसके दो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, दो न्यूट्रॉन इसके होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी इसकी शुरुआत किन्होंने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी किन्होंने, जल्दी से आंसर करें, इसकी शुरुआत की थी सर थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन डी, सर थॉमस मुनरो ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं। अगला फिर क्वेश्चन देखने से पहले यदि हम लोग चाहें तो इसमें चारों जो ये चारों फेमस ही है, तो क्यों ना हम लोग इन सभी के बारे में जान लें कुछ कुछ। तो ये तो आपने जान लिया कि सर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, अब हम लोग बात करें यदि वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और उन्होंने नागरिक प्रशासन प्रणाली स्थापित की थी। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक संबंधित क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि यदि आपको बता दें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने महलवाड़ी प्रणाली शुरू की थी और वह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात करें हम लोग, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इनके बारे में वो आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भीतरी हिमालय भी कहा जाता है। भीतरी हिमालय किसे कहा जाता है, तो भीतरी हिमालय इनमें से किसे कहा जाता है, हिमाद्री को। हिमाद्री, ऑप्शन ए, हिमाद्री को यह कहा जाता है। ठीक है, हिमाद्री को भीतरी हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय में तीन समानांतर पर्वतमालाएं शामिल है, उनमें क्या क्या है, पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक। हिमाद्री को भीतरी हिमालय या फिर वृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और हिमाचल जो है, हिमाचल को मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और शिवालिक को बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महाकाव्य मालती माधव किसने लिखी थी। मालती माधव किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी किन्होंने, ये लिखी थी भवभूति ने। ठीक है, इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं, भवभूति, ऑप्शन बी। मालती माधव लिखी थी किन्होंने, भवभूति ने। ठीक है, तो ये आप लोग याद जरूर लिखें। और यदि पूछ ले दंदिन के बारे में, तो ये लिखी थी अवंती सुंदरी ने। दंदिन जो है ये लिखी थी किन्होंने, अवंती सुंदरी ने। और यदि पूछ ले अकलाज लादा के बारे में, ऑप्शन सी, तो ये लिखे थे किन्होंने, कादम्बरी राम ने। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद अवश्य रखें। अगले प्रश्न को देखते हुए, एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या कर दी गई थी। भारत में हत्या किनकी कर दी गई थी, वह एकमात्र कौन थे, वह इनमें से कौन से आंसर दिए हुए, जल्दी से बताएं आप लोग। इसमें सही आंसर क्या है, लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। रिचर्ड साउथवेल बोर के छठे अर्ल ऑफ मेयो, जिन्हें लॉर्ड मेयो के रूप में जाना जाता है, वह एकमात्र वायसराय थे जिनकी भारत में हत्या कर दी गई थी। शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी
1872 को पोर्ट ब्लेयर में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। ठीक है, अगले प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के उत्तर में पटना को दक्षिण में हाजीपुर से जोड़ने वाले गंगा पर बने पुल का नाम क्या है? तो उस गंगा पे बने पुल का नाम इनमें से क्या है? उस पुल का नाम क्या है? महात्मा गांधी सेतु। ऑप्शन ए महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। ठीक है, और इसकी लंबाई लगभग 57.50 मीटर है। ठीक है, यानी कि 5.75 मीटर है। तो ये आप लोग याद जरूर रखें। और महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन 1982 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुश्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और यह पुल बिहार में NH-19 और एक प्रमुख शहर सीमांचित का एक हिस्सा है। अगले प्रश्न को देखते हैं अब। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहां पर हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहां पर हुआ था? तो इसका गठन हुआ था ढाका में। ऑप्शन सी ढाका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहन जोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहन जोदड़ो का स्थानीय नाम इनमें दिया हुआ कौन सा? मृतकों का टीला। ऑप्शन बी। इसे माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि गंगा के उद्गम धारा का नाम क्या है? तो गंगा के उद्गम धारा का नाम इसमें क्या है? भागीरथी। ऑप्शन सी भागीरथी। अगले प्रश्न को देखते हैं अब। अगला प्रश्न है कि पहली बौद्ध परिषद किस में आयोजित हुई थी? पहली बौद्ध परिषद किस में आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी कहाँ पे? प्रथम बौद्ध संगति जो थे ये आयोजित हुए थे कहाँ पे? जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएं। इसमें सही आंसर क्या है? राजगिरी। ऑप्शन ए राजगिरी। चार बौद्ध परिषद आप लोग जानते हो कि चार हुए थे। कौन कौन से हुए थे? तो प्रथम जो हुए थे वो कब हुए? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुए थे? तो ये हुए थे राजगिरी में। ठीक है, और इनके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, और इनके राजा का नाम क्या था? अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश से थे। दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, और तीसरी हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में, और चौथी 72 ईस्वी पूर्व। ठीक है, या फिर ईसा पूर्व में। तो ये आप लोग याद जरूर रखें। पूछे जाते हैं कि प्रथम कहाँ पे हुए थे? तो प्रथम राजगृह, यदि दूसरे पूछ ले तो वैशाली बिहार, तीसरे पूछ ले तो पाटलिपुत्र, और यदि चौथे पूछ ले तो कुंडलवन कश्मीर। बस यही इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुल एंड बेयर शब्द किससे संबंधित है? बुल एंड बेयर शब्द संबंधित है किससे? यह संबंधित है स्टॉक मार्केट से। बुल एंड बेयर होता क्या है? बुल किसे कहते हैं? तो ये हुए सटोरिया है जो किसी कंपनी के शेयरों के निकट भविष्य में भाव बढ़ने की उम्मीद के साथ उनको खरीदता है ताकि वह उन्हें बाद में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सके। और वेयर क्या होता है? तो ये होता है, ये वो सटोरिये होते हैं जो इनकी उलट प्रक्रिया से मुनाफा कमाने की उम्मीद रखते हैं, और किसी कंपनी के शेयर उनके निकट भविष्य में भाव गिरने की आशंका में बेचते हैं और फिर गिरे हुए भाव में खरीदते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक मार्केट संबंधित है, बुल एंड बेयर। आपने समझ लिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यह भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में वेंकट हिल पर स्थित है। इसे सबसे प्रसिद्ध नाम तिरुपति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर की स्थापत्य शैली द्रविड़ियन है, और यह दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। तो ये सब आप लोग याद अवश्य रखें। और यदि कर्नाटक के बारे में पूछ ले जाए तो कर्नाटक में भी एक मंदिर है, हंसनवा मंदिर, वो भी बहुत फेमस। और भी बहुत से मंदिर है यहाँ पे, तो यहाँ से रिलेटेड मंदिर जो भी है वो सब आप लोग जो स्थल है उसके बारे में जरूर जान ले कुछ ना कुछ। तो आप लोग इस टॉपिक को अवश्य पढ़ लें क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है कि 16वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था थाईलैंड में। ऑप्शन बी थाईलैंड। अगला फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय नदी इनमें से कौन नहीं है? तो वाष्पा जो है यह प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। वाष्पा प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, जो वाष्पा पहाड़ियों से निकलती है
और सतलज नदी में मिलती है। यह एक हिमालयी नदी है, वास्पा जो है यह एक हिमालयी नदी है, ठीक है। बाकी सभी प्रायद्वीपीय नदी है, जितने भी तीन ऑप्शन अन्य है। बिहार सरकार ने बिहार के जिलों में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की, वह कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है बिहार सरकार ने, तो यह 18 कहाँ कहाँ पे बनेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। तो यह 18 फुटबॉल जो स्टेडियम इन्हें बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और आप लोग जानते हो कि यदि पूछ ले एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र कितने बनाए जाएंगे, तो ये तो हो गया फुटबॉल स्टेडियम कितने बनाए जाएंगे 18, और 21 एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे कि एथलीट के लिए 300 मीटर और 400 मीटर का रनिंग ट्रैक भी होगा, जहां वो एथलेटिक्स का अभ्यास कर सकते हैं। और यह बनाए जाएंगे कहां कहां पे, 5 बनाए जाएंगे पूर्वी चंपारण में, मधेपुरा में 5, मुजफ्फरपुर में 2, गया में 2, और गोपालगंज में 1, कैमूर में 1, सारण में 1 और भोजपुर में 1, यानी कि कुल मिलाकर 18 बनाए जाने की घोषणा की गई है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्या पूछा गया, नहीं करता है, तो कौन इनमें दिए हुए ऑप्शन जो कि इसके साथ सीमा साझा नहीं करता, तो वह इसमें शिवहर, ऑप्शन बी शिवहर नहीं करता है, क्योंकि बिहार में शिवहर जो है वह पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से घिरा हुआ है। बिहार भारत के पूर्वी राज्यों में से एक है और यह 3 राज्यों से घिरा हुआ और केवल 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है बिहार। 3 राज्य कौन कौन से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और इनकी उत्तर में नेपाल के साथ केवल 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बिहार में केवल 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ जो सीमा अपना साझा करती है, वह कौन कौन से हैं राज्य, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सभी नेपाल के साथ अपने सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है, इसमें संरक्षी बल कौन सा नहीं है, तो संरक्षी बल इसमें नहीं है घर्षण बल, घर्षण बल संरक्षी बल नहीं है। संरक्षी बल वह बल है जिसमें किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य पथ पर स्वतंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, संरक्षी बल। जैसा कि घर्षण बल द्वारा किया जा रहा कार्य किए जा रहे पथ पर निर्भर करता है, घर्षण एक संरक्षी बल नहीं है, ठीक है, घर्षण एक संरक्षी बल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन माओरी जनजाति की मातृभूमि है, तो माओरी जनजाति की कौन इसमें मातृभूमि है, इसमें आंसर कौन से दिए हुए हैं, जल्दी से बताएं इसमें सही आंसर क्या है, न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन से लवक में हरा वर्णक होता है, तो लवक में हरा वर्णक होता है किसमें, हरित लवक में, हरित लवक ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो बहुत लंबे हो गया क्योंकि डिटेल्स बताने की वजह से वीडियो बहुत लंबे हो गए हैं। मेलबर्न में T20 विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण किसने किया, तो ये अनावरण किया था करीना कपूर खान ने, ऑप्शन बी करीना कपूर खान ने, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं अब, हाल ही में बिहार से 21वां महावीर पुरस्कार किसे मिला है, 21वां महावीर पुरस्कार किसे मिला है, तो यह मिला है आनंद कुमार को, ऑप्शन सी आनंद कुमार को यह पुरस्कार मिला है। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण नहीं है, रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण इनमें कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑर्गन नहीं है, ऑप्शन ए ऑर्गन जो है यह रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण नहीं है। ऑर्गन एक अक्रिय गैस है जो किसी भी रेडियोधर्मिता को नहीं दिखाती है, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकेरल ने 1896 ईस्वी में की थी, ये भी आप लोग याद अवश्य रखें। अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब, अगला प्रश्न है कि बिहार के काव्य गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, काव्य गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया कि नहीं, जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएं इसमें सही आंसर कौन से है, इसमें सही आंसर है डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर संजय पंकज ऑप्शन बी। प्रथम जैन महासभा कहाँ आयोजित की गई थी, प्रथम जैन महासभा आयोजित की गई थी कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, ऑप्शन ए
पाटलिपुत्र में, पहली जैन महासभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और यह 3 शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में शतुलबाहु द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरी सभा मथुरा और वल्लभी में एक साथ और तीसरी वल्लभी में आयोजित की गई थी। जैन महासभाओं को जैन आगम के रूप में उनके पवित्र पाठ के संशोधन और सुधार के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। बिहार का सबसे बड़ा आईटी टावर बापू टावर कहाँ स्थित है? बापू टावर कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। बापू टावर पटना में स्थित है। बापू टावर निर्माणाधीन है जो कि गर्दनी बाग पटना बिहार में स्थित है और इस परियोजना के लिए आवंटित बजट जो है वह 125 करोड़ का है। ठीक है, और इस टावर की ऊंचाई जो है वह 120 फीट की होगी और इसे 7 एकड़ के भूखंड क्षेत्रफल के तहत बनाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है कि पित्त कहाँ पे जमा होता है? पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो ये जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त पित्ताशय में जमा होता है और यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है और पित्त नली के माध्यम से पित्ताशय में पहुंच जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ लिया किन्होंने? राधा कृष्ण माथुर ने। राधा कृष्ण माथुर हैं जो कि लद्दाख के सबसे पहले यानी कि पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार की राजधानी थी कहाँ पे? जल्दी से आंसर बताएं। गांधार की राजधानी थी कहाँ पे? तक्षशिला। ऑप्शन बी तक्षशिला इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है? तो कितने श्रेणियों में बांटा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को? इन्होंने बांटा है कितने श्रेणियों में? इन्होंने बांटा है, जल्दी से आंसर बताएं। इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं? इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं? वेरी गुड, आंसर सभी लोग करते रहे। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। अभी तक बहुत कम लाइक आए हैं। इसमें सही आंसर है 7, ऑप्शन सी 7। आर्थिक स्थिति के आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से? पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा चरवाहे और फिर चौथा कलाकार, पांचवा सैनिक, छठा निरक्षक और सातवां सभासद। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद अवश्य रखें। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने पहले जीएसटी की शुरुआत की थी? बिहार पुलिस के जो पिछले एग्जाम हुए थे उससे पूछे गए थे कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया गया था। तो हो सकता है कि इस बार ये पूछ ले कि जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किए गए थे, किस देश में, तो इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। इसमें सही आंसर कौन से है? फ्रांस। फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया गया था। कब? 1954 में। और यदि पूछ ले भारत में कौन सा राज्य जहां पे सर्वप्रथम लागू किया गया था, पहला राज्य कौन सा है, तो वह है असम। तो ये सब आप लोग याद अवश्य रखें। जीएसटी से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन हो सकते हैं। कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। ऑप्शन ए कपिल देव। अगला प्रश्न है कि तानसेन सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान दिया जाता है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश ऑप्शन सी। किस शासक के शासन में लाल किले का निर्माण हुआ था? तो लाल किले का निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ऑप्शन बी। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है? तो काजीरंगा वन्य जीव जो विहार यह स्थित है कहाँ पे? असम में। ऑप्शन डी असम में। तो वीडियो आपको आज का कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप चाहते हैं इस तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियोज और आगे भी देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।